हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो दोस्तों, पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल दे एग्जाम चलते पए आ, डेली शिफ्टां दे विच एग्जाम हो रहे ने। तो आप एक एक करके सारिया ही शिफ्टां दा एनालाइसिस करते आ रहे हैं। तो अज इस क्लास दे विच आपां 6 सितंबर 2023 वाली दोनों शिफ्टां दा एनालाइसिस करांगे, शिफ्ट 1 ते शिफ्ट 2, यानी कि मॉर्निंग ते इवनिंग वाली दोनों शिफ्टां दा एनालाइसिस करांगे। क्वेश्चंस दे नाल आपां आंसर भी डिस्कस करन वाले हां। कंप्लीट क्लास नूं जरूर देखो, बाकी क्वेश्चंस देखण दे नाल ही तुहानू पता लग जाएगा कि पेपर दा लैवल किहो जिहा रिहा है। तो इस दे नाल दे क्वेश्चन तुसीं अगे जरूर पढ़ के जायो, ते नाल दे आपां ने कुछ ऐड भी कीते ने उस दे नाल। तां देखो, सब तो पहला उन्हां स्टूडेंट्स दा धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने अपने नाल इह क्वेश्चन शेयर कीते ने। तां देखो, पहला क्वेश्चन की रिहा है, इन्हां दोनों शिफ्टां दे क्वेश्चन मिक्स नेगे आपां जिहड़े लै के आए हां। तो स्टार्टिंग दे विच पहली शिफ्ट दे ने, उस तो बाद सैकेंड शिफ्ट दे। तां देखो, 2011 दी जनगणना दे अनुसार पंजाब दी जनसंख्या पुछी गई सी, किन्नी जनसंख्या पंजाब दे विच 2011 दी जनगणना दे अनुसार 277.43 लाख पंजाब दी आबादी है, जनसंख्या हैगी, इह पुछया गया सी। ते पहला पता नहीं किन्नियां ही शिफ्टां दे विच इह क्वेश्चन पुछया जा चुका है। तां तुसीं अगलियां शिफ्टां दे वास्ते भी 2011 दी जनसंख्या दे नाल रिलेटड जां होर कोई भी पेंडू आबादी, शहरी आबादी, इस तरह के क्वेश्चन तुसीं जरूर पढ़ के जायो, हो सकदा तुहाडी इस शिफ्ट दे विच क्वेश्चन देखण नूं मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जिहड़े आपां नूं स्टूडेंट्स ने शेयर कीते ने उही लैके आए, हो सकदा थोड़ा बहुत दसण दे विच प्रॉब्लम रह गई होवे जां अपने समझण दे विच प्रॉब्लम रह गई होवे, पर जिद्दां उन्होंने दस्सिया आपां उसे तरह क्वेश्चंस तुहाडे लई लैके आए, क्योंकि मैमरी बेस्ड आपां कह सकते हैं कि इह क्वेश्चन हुंदे ने सारे। उस तों अगला क्वेश्चन की हैगा, बेबे नानकी लाडली बेटी स्कीम की राशि किन्नी है। जिहड़ी आपने देखो टॉप 30 क्वेश्चन वाली क्लास की सी, उहदे विच आपने क्वेश्चन किया सीगा, इह उस तों उपरला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन देखो, बीमा क्वेश्चन सीगा उस क्लास दे विच। हुण देखो, एक क्वेश्चन की हैगा, इसकी राशि पूछी गई है बेबे नानकी लाडली बेटी स्कीम दे विच, जिहड़ी राशि दित्ती जांदी है वह किन्नी हैगी, 20,000 रुपए की राशि इस दे विच दित्ती जांदी है। यह कदों शुरू की गई यह भी पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट दे विच, पर इस दे विच सिर्फ राशि पूछा गया सीगा, अगली शिफ्ट दे विच कदों शुरू हुई यह पूछा जा सकता है। तो तुसीं नोट कर लो, 2011 दे विच इस नूं शुरू किया गया। तो यह ज़्यादातर आप कह सकते हैं भ्रूण हत्या रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लड़कियों को बोझ ना समझा जाए, ठीक है, कोई पढ़ाई दे लई जां किसी भी तरह, वो इस करके यह राशि दित्ती जाती है, इदां समझ सकते हैं आप, ठीक है, उन्हां दा विद्यक सुधार लई उन्हां दे वास्ते इदां कह सकते हैं। मेन जे आप देखिए इस नूं भ्रूण हत्या नूं रोकण दे लई इस स्कीम हैगी जिहड़ी शुरू की गई, पुछा जा सकता है कि किस मकसद लई शुरू की गई सी इह। तां उस तों अगला क्वेश्चन की हैगा, PM सुरक्षा बीमा योजना कदों शुरू किया गया, यह स्कीम सी जिहड़ी योजना हैगी इह कदों शुरू की गई, PM सुरक्षा बीमा योजना यह 2015 दे विच शुरू की गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यह पहली शिफ्ट दे विच इह क्वेश्चन पूछे गए ने, उस तों अगे फिर सैकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। हुण देखो, उस तों अगला एक होर क्वेश्चन पूछा गया जिहड़ा कि 2011 दी जनगणना दे विचों ही सीगा, 2011 दी जनगणना दे अनुसार पंजाब दे विच इस्त्री साखरता दर किन्नी है, इस्त्री साखरता दर पूछा गया, यह भी पता नहीं किन्ने ही बार कर चुके हैं आपां। देखो, जिहड़ी इस्त्री साखरता दर है वह है जी 70.73%। तो हो सकता है अगली शिफ्ट के मर्द पूछ लिया जाए मर्द साखरता दर, यह भी तुसी पढ़ के जाओ, 80.44 जिहड़ी प्रतिशत हैगी वह अपना कह सकते हैं कि मेल की जिहड़ी साखरता दर है, ठीक है। इन्हां दा जेकर ओवरऑल पंजाब की पूछ लिया जाए इन्हां दा एवरेज कढ़ के तुसी देख सकोगे, बाकी आपां कर चुके हैं। जेकर देखो एक क्लास बनी हुई है 2011 की जनगणना वाली, वो क्लास कंप्लीट देख लियो, जरूर तुहानू हर एक शिफ्ट के दो दो क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहे हैं, वो क्लास जरूर देखियो, लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वाले दे विच ते करंट अफेयर वाले दे विच उस क्लास नू ऐड किया होएगा। तो उस तो अगला क्वेश्चन की है, पंजाब का जिहड़ा पुराना किला है, पुराना किला किसनू कहिंदे आ, लुधियाने वाले किले नू, ठीक है, पुराना किला किसने बनवाया सीगा, ये बनवाया सी सिकंदर लोधी ने, ठीक है, सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया मन्या जांदा हैगा, तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी फिर इत्थे अपना डेरे लाए सीगे। तो यह कह सकदे कि पुराना किला किसनू किसने बनवाया सी, इह पुछिया गया सी, तां पुराना किला बनवाया सी सिकंदर लोधी ने, तो इसनू आपां होर किस नाम नाल जाणदे आ, लोधी किले दे नाल, ठीक है, तो कित्थे आ गए, लुधियाने दे विच। तां इह भी तुसीं किलियां दे नाल कह सकते हैं कि रिलेटड क्वेश्चन पुछे जाते हैं, तो पहले दिन तो ही पुछे जा रहे हैं, कदे बठिंडा किला, ठीक है, कदे किहड़ा किला, कदे किहड़ा फिलौर वाला किला पुछा गया, इदां किलियां दे विचों पुछे जा रहे हैं, तो तुसीं इन्हां दे वल भी थोड़ा कु ध्यान जरूर मार के जाना। उस तों अगला क्वेश्चन सीगा जिहड़ा पुछा गया, पंजाब दे विच मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कदों शुरू की गई,
मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कदों शुरू की गई 20 अगस्त 2019 शुरू की गई इदा कह सकते हैं इसनों होर आप कहने पंजाब हैल्थ कार्ड स्कीम है जी पंजाब हैल्थ कार्ड स्कीम कदों शुरू की गई 20 अगस्त 2019 या फिर इदा भी कहा जा सकता है तो कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कदों शुरू की गई ये की गई 20 अगस्त 2019 तो देखो एक जेकर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें की करना है गूगल के जाके सर्च कर लेना पंज आप स्टडी उत्थे तो पहले नंबर के उत्ते अपनी वैबसाइट मिल जाएगी उत्थे तो सारा स्टडी मटीरियल बिल्कुल फ्री के मिल जाएगा उत्थे जाके तुम पढ़ सकते हो बहुत आप मेहनत के नाल क्वेश्चन इस तरह पंजाबी दे विच टाइप करके अपलोड किए हैं सबजैक्ट वाइज जिहड़े भी सबजैक्ट के चाहो तुम उत्थे क्वेश्चन पढ़ सकते हो एक बार जरूर विजिट करो तुम जाके गूगल के पंज आप स्टडी सर्च कर लेना पहले नंबर के उत्ते जी वैबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना फिर तो क्वेश्चन मिल जाएंगे उस ठीक है जी। उस तो बाद देखो सैकेंड क्वेश्चन अगला की है अपना पुआधी बोली के बारे पूछा गया से उपभाषा पुआधी कितने बोली जाती है इसका खेत्र पूछा गया से बाकी अपने को ऑप्शन तो नहीं पहुँचिया कि इन केड़ी ऑप्शन से पर आप एरिया देख लें कि हो सकता है कि इन्होंने कोई ऑप्शन दी हो पटियाले का जो कुछ भाग हैगा वह पुआधी रिलेटिड है फिर उस तो बाद राजपुरे की गल कर लें खरड़ कुराली तो या फिर आनंदपुर साहब का कुछ भाग हो गया ठीक है ये आप कह सकते हैं कि पुआधी के नाल रिलेटड ने बाकी ऑप्शन तो पता लगा सकेंगे आप कि हो सकता अमृतसर लिख रखे होप्शन तो वह भी आप सीधा कट देंगे क्योंकि माझी के नाल चला जाए कोई मालवे का कोई ठीक है इदा आपशन कट के भी इसनों कर सकेंगे बाकी ऑप्शन तो आप ज़्यादा बैटर पता लगा सकेंगे कि ऑप्शन आई सी। उस तो अगला क्वेश्चन की सीगा सैकेंड शिफ्ट के देख लें शायद इतों सैकेंड शिफ्ट के स्टार्ट हो गए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब दे विच औरतों की आबादी पूछी गई तो जी पंजाब की कुल आबादी उस दे विच औरतों की आबादी कितनी है देखो औरतों की आबादी 131.04 लाख है जी ये औरतों की आबादी है हो सकता है अगली शिफ्ट के पुरुषों की पूछ लिया जाए तो यह भी तुम पढ़ के जायो 146.39 लाख है बाकी ये सारा कुछ आपने एक क्लास उस कवर कर दिता है वो तुम जाके जरूर देख लो तो बाकी देखो एक अपने मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है एक करंट अफेयर वाली बनी हुई है तो एक बनी हुई है पेपर के एनालिसिस वाली ये तीन प्लेलिस्टा हर हाल के देखो बाकी जेकर इस तो बिना भी टाइम है जनरल अवेयरनैस तो पॉलिटी वाली भी तुम जरूर देख लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के देते हैं। उस तो बाद क्वेश्चन पूछा गया माघी का मेला कितने लगता है माघी का मेला लगता है श्री मुक्तसर साहब ठीक है 40 मुक्तियां की धरती आप कहने तो मुक्तसर साहब के लगता है तो लोहड़ी तो अगले दिन ठीक है माघी का मेला माघ की शुरुआत जो होंगी है इदा कह सकते हैं उत्थे उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने कि माघी के मेले नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो यह कितने लगता है ये अपने अपने कोल लगा लिया नाल ठीक है हो सकता है कितने लगता है ज कदों लगता है ये भी पूछा हो सकता है कदों लगता है ये आप कह सकते हैं लोहड़ी तो अगले दिन एक माघ में लगता है इदा कह सकते हैं ठीक है ज फिर जनवरी 14 जनवरी के आसपास कह सकते हैं कि लगता है ठीक है। उस तो अगला क्वेश्चन सीगा सिख धर्म के पंजवें गुरु साहबान कौन होए ने गे वह होए ने श्री गुरु अर्जन देव जी तो पहला किसी शिफ्ट के पूछा गया अपना चौथे गुरु साहबान बारे शायद उस तो बाद फिर पूछा गया दसवें गुरु साहबान बारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे पूछा गया उस तो बाद फिर पंजवें गुरु साहबान बारे भी पूछा गया तो कह सकते हैं कि आप 10 गुरुओं के बारे अपन पता होना चाहिए कि किहड़े गुरु साहबान किन्नवें गुरु ने तो यह जरूर पढ़ के जाए एक बार। उस तो अगला क्वेश्चन हैगा दिल्ली विखे किस गुरु साहबान ने अपना शीश दिता किस गुरु साहबान ने अपना शीश दिता सीगा दिल्ली दे विच वो दिता सी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ठीक है जी चांदनी चौंक दिल्ली दे विच तो कह सकते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहब बने हुए थे ठीक है तो यह भी तुसी देखो कह सकते हैं सिख धर्म के क्वेश्चन बनया हुआ है। उस तो अगला क्वेश्चन जिहड़ा पूछा गया गुरदासपुर की उपभाषा पूछ लिया गया गुरदासपुर के केड़ी उपभाषा बोली जाती है माझी ठीक है जी तो यह भी आपने एक स्पैशल वीडियो बनाई हुई है वह भी पढ़ के जायो। उस तो बाद देखो की पूछा गया 2011 के फिर क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब के पेंडू जनसंख्या कितनी है पेंडू जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब के हुण देखो जेकर तो पूछ लिया जाए पेंडू तो 173.44 लाख है पेंडू आबादी ठीक है यानी कि आप कह सकते हैं कि जिहड़ी पिंडां दे विच निवास करती है तो जेकर शहरी पूछ लिया जाए 103.99 लाख है बहुत बार आप क्वेश्चन कर चुके हैं। उस तो अगला क्वेश्चन की पूछा गया उत्थे पूछा गया सीगा कि पंजाब दे विच विधानसभा दीआं कुल सीटां किन्नियां ने विधानसभा दीआं कुल सीटां तो देखो इत्थे जेकर तो पूछा गया कुल सीटां किन्नियां ने पंजाब दे विच विधानसभा दीआं 117 ने तो जेकर पूछा हो जाए कि सरकार किन्नियां सीटां दे उत्ते बनी हुई है कि किन्नियां सीटां पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी द्वारा जीतियां गईआं ने 92 सीटां
ठीक है, तो कह सकते 92 MLA पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी के बने हुए हैं जिहड़ी करंट सरकार चलती पई है। जेकर कुल सीटां पुछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 117 सीटां ने जिहड़ियां पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ विधानसभा ਦੀਆਂ। ਤਾਂ विधानसभा ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।